have an apartment in Jaipur. Her brother has a new job and remains busy. थोड़ा fast करते हैं। नहीं, ये तो ऐसा पटिवी चल रहा है। They dash a test tomorrow. They have a test. अगर they don't have a होता तो भी करेक्ट था। कोई फर्क नहीं है। This woman has 7 children. They have a lot of money. My friend has a new bike. It has a different name. The little boy has a kite. She has a sweet voice. We have good news for you. My cat has a long tail. The book has a nice cover. This house न्यू कवर इज बी नाइस लिख रहा है. दिस हाउस हैज अ बिग गार्डन. द बॉयज हैव एन इम्पोर्टेंट टेस्ट टुमारो. द फिल्म हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. माय सिस्टर्स हैव टू बर्ड्स. मोस्ट टीनेजर्स हैव एटलीस्ट वन हॉबी. आई have one brother and one sister. It is better to have one bird in your hand than two in a tree. Agla, do you have the new music album? We usually have a lot of homework in English. The baby has high fever. Let us call the doctor. She cannot help you. She has a lot of work. Unfortunately, my brother doesn't. Unfortunately, my brother doesn't have a driving license. Agar fortunately hota. Fortunately, my brother has. इन दोनों sentences को अलग लिखो. Unfortunately से शुरू होता है तो meaning अलग हो जाता है और verb भी अलग लगेगा. Unfortunately, my brother doesn't have a driving license. और अगर मैं फॉर्चुनेटली कहती वहां तो फॉर्चुनेटली माय ब्रदर हैज अ ड्राइविंग लाइसेंस. अगला शी लगाना है. यू या शी लगाना है. तुम यू से भी लगा के बनाओ और शी से भी लगा के बनाओ. डू यू हैव हिज फोन नंबर और डज शी हैव हिज फोन नंबर. किसी को इसमें डाउट? किसी को इसमें डाउट? हाँ, किसी को इसमें डाउट? डू यू हैव डज शी हैव में? डू यू हैव डज शी हैव? मनीष क्लियर है वाला? डू यू हैव डज शी हैव? ये प्रैक्टिस किया था क्या? आई हैव, यू हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव, किस किस ने प्रैक्टिस नहीं किया? ये नहीं किया अपन ने. प्रैक्टिस किया क्या? नहीं, टाइम नहीं मिला. करो, नहीं तो बैठेगा नहीं है. आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, डोंट आई हैव, यू हैव, यू डोंट हैव, डू यू हैव. प्रश्न बनाओ. डोंट यू हैव, मैंने होमवर्क दिया था ना इधर, तो प्रैक्टिस करना है, नहीं तो बैठेगा नहीं है. वो फ्रेम नहीं आ रहा था आजकल. चलो चलो. Dash, time, dash, time for a cup of coffee. Do you have Anita? Clear? Do you have time for a cup of coffee?
Do you have time for a cup of coffee? क्या तुम्हारे पास समय है? एक ऐसा देखो इसने क्या पूछा? A time आएगा क्या? Do you have a time? है ना? A time नहीं आएगा. Time से पहले नहीं लगता. Time से पहले केवल एक condition में लगता है a. एक ऐसा समय आया. A time came जब ऐसा ऐसा हुआ. A time came when और आगे तुम जो भी complete करो. Otherwise, do you have time? I have no time. I have a lot of time. Okay? तो ये लिखवा दो ना मैं. क्या? A time वाला. लिख लो. हाँ. Time. देखो टाइम हेडिंग लगाओ. टाइम हेडिंग लगाओ. जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या बज रहे हैं तो हम कहते हैं व्हाट इज द टाइम. व्हाट इज द टाइम. व्हाट इज द टाइम. कितने बज रहे हैं? क्या बज रहे हैं? व्हाट इज द टाइम. पर अगर हमें ये कहना हो कि हमारे पास समय नहीं है. हमारे पास समय नहीं है. वी हैव नो टाइम. क्या तुम्हारे पास समय है? डू यू हैव टाइम. रुको लिखो. क्या तुम्हारे पास समय है? डू यू हैव टाइम. और अगला सेंटेंस हिंदी में लिखो. हमारे पास टाइम नहीं है इसके लिए तो आई डोंट हैव टाइम. आई डोंट हैव टाइम. आई हैव नो टाइम. ये सब. क्या तुम्हारे पास समय है? डू यू हैव टाइम. अगला सेंटेंस लिखो और ध्यान दो फर्क क्या है. क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए समय है? क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए समय है? क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए समय है? ऊपर तो अपन ने पूछा क्या तुम्हारे पास समय है. तो अपन ने पूछा डू यू हैव टाइम. पर अब अपन पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए समय है? इस पर्टिकुलर काम के लिए समय है. हम पूछेंगे डू यू हैव द टाइम for this work. For this work. फिर अगला. The new supermarket. Supermarket has aega, have aega. Has everything we need. Dash children, kya unke bache hain? The new supermarket has everything we need. Everything we need. The new supermarket has everything we need. Do they have children? Do they have children? Do they have children? अगला टिकट. Do you have a ticket? Do they have a ticket? Do you have a ticket? Do they have a ticket? क्या तुम्हारी मम्मी की नीली आंखें हैं? Does your mother have blue eyes? Does, क्योंकि माँ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. Does your mother have blue eyes? My mother has blue eyes. अपन ने थर्ड पर्सन सिंगुलर में has क्यों नहीं लगाया? Does your mother has क्यों नहीं लगाया? क्योंकि has का जो s है वो does में चला गया, इसलिए अभी have ही हो गया. Does your mother have blue eyes? हाँ, answer हो गया. Dash many friends.
क्या तुम्हारे अनेक फ्रेंड्स हैं? डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स? एंड इज नॉट हियर, एंड यहाँ पर नहीं है. शी रिसीव्ड के सेंस में हैव हैड आता है ना. आई हैड अ कॉल फ्रॉम माई ब्रदर वाला सेंटेंस अपन ने लिखा था. प्राप्त करना, आई वुड लाइक टू हैव द बिल, वो वाला है ये. उसको घर से कॉल आया तो वो चली गई. शी हैड अ कॉल फ्रॉम हर मदर एंड सो शी लेफ्ट फॉर होम. है ना सेंटेंस तुम्हारे पास? लिखा नहीं है? ओ कॉपी करके गई क्या? यू विल हैव टू लीव सून. यू, तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा. यू देखो, तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा. यू हैव एन अपॉइंटमेंट. तुम्हें जल्दी जाने की जरूरत नहीं है. यू लिखो कॉपी में, कॉपी में लिखो. यू विल हैव टू लीव सून. कॉपी में लिखो. यू विल have to leave soon. You will have to leave soon. You dash an appointment. You dash an appointment. Aur agla sentence likho. You don't have to leave. You don't have to leave. You don't have to leave, comma. You dash an appointment. Hanta sort of. You don't have to leave. You need not leave. You need not leave soon. Ye bhi aa sakta hai. You need not leave. Soon, you dash an appointment. तीन सेंटेंस लिखे अपन ने. पहला लिखा अपन ने, तुम्हें जल्दी जाना होगा. You will have to leave soon. और जल्दी क्यों जाना होगा? अरे तुम्हारा अपॉइंटमेंट छूट जाएगा. You have an appointment. दूसरे में कह रहे हैं, you don't have to leave. अरे तुम्हें जाना कोई जरूरी नहीं है. You don't have an appointment. और तीसरा अपन ने लिखा है, you need not leave now. या you need not leave soon. You don't have an appointment. किसको इसमें से क्या क्लियर नहीं हुआ? किसी को भी जो भी क्लियर नहीं हुआ, तुम लोग प्लीज पूछो ताकि मैं उस चीज को रिपीट करा सकूं. किरण क्लियर है? नहीं क्लियर है तो मैं कहां तक चेहरे पढ़ू? जिसने ये पढ़ाया था उसने नहीं आया. तो तूने वीडियो नहीं देखा क्या? वीडियो नहीं देखा? देखो मेरी बात सुनो, मैं जरूर क्लास में रिपीट करा दूंगी. पर जो जिस दिन क्लास छोड़ो, मैं सुबह 5 बजे तक तुम्हारा हर हाल में वीडियो अपलोड हो जाता है. अगर तुमने क्लास छोड़ी है ना, तो कम से कम पिछले शाम की वीडियो देख लो, तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्लास में हो क्या रहा है. मैं इसको रिपीट करा दूंगी, वो कोई बात नहीं. पर अभी आज का पूरा ही क्लास चला जाएगा. तुम एक बार किरण देखो, वीडियो देखो. नहीं समझ में आएगा तो मैं जरूर क्लास में कराऊंगी, तुम उसकी चिंता मत करो. पर एक बार वीडियो देखो, और नहीं समझ में आए तो बता देना मुझे. तो मैं जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तेरे को अलग से कराऊंगी. बस ठीक है, 15 मिनट क्लास के आगे पीछे करा दूंगी. चलो. She needs to dash her passport by next week. वो फिर देखो ये next week आ रहा है, फिर भी बिल बिल नहीं आएगा. Yes, तुम लगाओ. तुम लगाओ. She needs to dash her passport by next week. Have. She needs to have her passport by next week. She needs to have her passport by next week.
अगर उसको विदेश जाना है तो अगले सप्ताह तक उसके पास पासपोर्ट तो होना ही होगा. नीड्स टू हैव यू डैश टूथपेस्ट ऑन योर चिन. यू हैव टूथपेस्ट ऑन योर चिन मतलब तुम्हारे अभी ब्रश किया है तो यहाँ टूथपेस्ट पकड़ा है. यू हैव ये चिन्ह है. यू हैव टूथपेस्ट ऑन योर चिन. डॉक्टर्स हैव अ डिफिकल्ट जॉब. डॉक्टर्स का काम बड़ा मुश्किल काम होता है. द वॉल हैज अ होल नियर द डोर. द वॉल हैज a hole actually near the door. Near the door. D-O-O-R. Agla, when he was a child, when he had a red ट्राइसिकल. अगर ये शब्द फोनेटिक्स में आ गया तो ट्राइसाइकल नहीं होगा. स्पेलिंग देखो क्या है. TRICYCL. ये ट्राइसाइकल नहीं होगा. ट्राइसिकल बाइसिकल बाइसिकल ट्राइसिकल. Tony and Moni have 10 years of experience. Yesterday I had a headache. Yesterday ki wajah se. When I was 6, I had a red cycle. When I was 6, I had a red cycle. We ना 50 है. We had a ball. हमारे पास गेंद थी इसलिए हमने फुटबॉल खेला. We had a ball, so we played football. They had breakfast at 6:30 this morning. They had breakfast at 6:30 this morning. इस सेंटेंस को कॉपी में लिखो. They had breakfast at 6:30 this morning. अब देखो अगर तुम सोचो आज की सुबह की तो बात हो रही है तो वर्तमान काल होना चाहिए तो हैव आना चाहिए. नहीं, नाश्ता कर चुके हैं वो. नाश्ता का समय अतीत में गया. नाश्ता कर चुके इसलिए मामला अतीत में चला गया. भले सेम डे चल रहा है, दिन तो कोई का कोई चल रहा है पर नाश्ता का समय बीत चुका है और वो नाश्ता कर चुके. दे हैड ब्रेकफास्ट एट 6:30. कॉपी में लिखो लिखो. They have breakfast at 6:30 every morning. और दूसरा लिखो दे हैड ब्रेकफास्ट. दे हैड ब्रेकफास्ट एट 6:30 दिस मॉर्निंग. एट 6:30 दिस मॉर्निंग क्या फर्क है. देखो
वो 6:30 बजे रोज नाश्ता करते हैं आदतन, तो अपने लगाया दे हैव, आदत होंगी रोज ही, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 6:30, यू हैव ब्रेकफास्ट एट 6:30, ही हैज ब्रेकफास्ट एट 6:30, दे हैव ब्रेकफास्ट एट 6:30, ये रोज की आदत है। पर मैंने आज 6:30 बजे सुबह नाश्ता खाया, हैड, क्योंकि नाश्ता करने का टाइम खत्म हो चुका है, पास्ट हो चुका है। जब हम रोज की बात करते हैं तब तो हम हैव फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, पर किसी पर्टिकुलर दिन की बात करते हैं कि आज हमने इतने बजे नाश्ता खाया, तो फिर हम उसको पास्ट टेंस में लेंगे, स्कूल को नहीं। जब हम रोज की बात करते हैं, जब हम रोज की बात करते हैं कि हम रोज इतने बजे लंच लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा, आई हैव, यू हैव, ही हैज, दे हैव। परंतु जब हम ये कहते हैं कि आज हमने इतने बजे नाश्ता खाया, तो हिंदी में भी देखो, हम रोज नाश्ता 6:30 बजे करते हैं, ताते थी, करते हैं प्रेजेंट टेंस, और हमने आज सुबह 6:30 बजे नाश्ता किया, पास्ट टेंस में चला गया, इसलिए अपन ने हैड लगाया। ये समझ में आ गया? अगला, बट बॉस नेवर has time, her boss never has time. अब इस पे वापस this morning आ गया अगले week. He had a strange experience this morning. उसके साथ आज एक अजीब सी घटना घटी. He had a strange experience this morning. अगला नेगेटिव बनाना है, यू डोंट हैव द राइट टू यूज माय कंप्यूटर, यू डोंट हैव द राइट टू यूज माय कंप्यूटर। ही doesn't have much work nowadays. उसके पास ज़्यादा काम नहीं है आजकल. He doesn't have much work nowadays. What a pleasant surprise. I ये आधा अधूरा सा है. No. I didn't have any idea you were coming today. इस sentence को छोड़ दो. Last, you don't have any excuse for doing this. और ये जो था 49, what a pleasant surprise, देखो, what a pleasant surprise, sentence number 49 होता है, what a pleasant surprise और फिर I had no idea, I had no idea you were coming. ये best option माना जाएगा, best option. इसका दूसरा option है, what a pleasant surprise,
I didn't have any idea. I didn't have any idea you were coming today. प्लान होता है तो आई एम बाइंग,
तो मुझे नहीं पता था कि तुम तुम्हारे आने का इरादा था, तुम्हारे आने का प्लान था. आई हैड नो आइडिया यू वर कमिंग. मुझे नहीं पता था तुम्हारे आने का प्लान था. अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे आने का प्लान था, मतलब तुमने आओगे इस बात का प्लान था तुम्हारा. तो मैं कहूंगी आई हैड नो आइडिया यू वर कमिंग या यू आर कमिंग, जो भी है. समझ में आई? अब उसी तरह से उनको फ्री बैठी है, वो तो पिक्चर देखने वाली है. शी इज फ्री, शी इज गोइंग टू वॉच अ मूवी. गोइंग टू, उसमें भी तो गोइंग में आई एन जी आया है, उसी को अपन ने यू बनाया है. आई हैड नो आइडिया यू वर कमिंग. हाँ मतलब बहुत जल्दी. फर्क समझो. आई एम गोइंग टू बाय अ कार. I'm about to buy a car. I'm going to buy a car. ये मेरा प्लान है कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ. हो सकता मेरा प्लान है गाड़ी खरीदने का. अब मैं हो सकता है एक महीने बाद खरीद लूँ, दो महीने बाद खरीद लूँ, मैं खरीद लूँ. I'm about to buy a car. आने वाले हफ्ते में, बहुत निकट भविष्य में. About to buy. ठीक है? About to buy, going to buy. फर्क है दोनों में. मीनिंग में अंतर हल्का सा, टाइम का अंतर है. Going to plan है. I'm going to buy a car. I have planned. I'm going to buy a car. Okay. I'm about to buy a car. मतलब सारा कुछ फाइनल हो गया है, तो बस वो करना ही रह गया. चलो फिर और कुछ सेंटेंस दिया था क्या मैंने? अब मुझे डिक्टेट करना पड़ेगा क्योंकि ज्योति ने सारे आंसर्स लिख लिए हैं और ये मुझे कल आपको क्लास में कराना है. वो डबल हैव, हैव हैड और हैड हैड, वो छूट नहीं सकता, बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बंद कर दो. हाँ, ये बंद कर दो. बंद कर दो और मैं